देख रहे हैं विद्रोहियां, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, लाभार्थियों को प्रमाण पत्र किया वितरित। सीएम योगी का कोविड 19 महामारी एक्ट उल्लंघन से जुड़े केस वापस लेने का निर्देश, गृह विभाग सक्रिय। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम के हेलीपैड स्थल पर किसानों ने किया कब्जा, विरोध में होर्डिंग उखाड़ कर फेंका। भवानीपुर विधानसभा सीट पर सीएम ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की, बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल को हराया। सिद्धू के ट्वीट पर सीएम चन्नी का बड़ा जवाब, कहा अपना काम करें और पार्टी फोरम पर रखें बात। ममता बनर्जी की जीत पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी में मनाया जश्न। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नेत्र गोपाल दास की अचानक तबीयत बिगड़ने से अयोध्या से लखनऊ के मेदांता अस्पताल लाए गए। अफगानी महिला ने बेटी की जान बचाने के लिए अपने नवजात को बेचा, तालिबान शासन में बढ़ी गरीबी। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 22,842 नए मामले सामने आए, 244 की गई मौत। रेव पार्टी में शाहरुख के बेटे आर्यन से हो रही पूछताछ पर सुनील शेट्टी ने दी प्रतिक्रिया, बोले बच्चे को सांस तो लेने दो। फिलहाल अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।